हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड 6। सो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। ठीक है, एलिमेंट्री शेप्स के बारे में समझेंगे हम क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 पर। यहाँ आप अपनी रूलर, डिवाइडर, प्रोटेक्टर वगैरह सभी आप निकाल लें, क्योंकि यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको इन सभी की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या बोला है हमसे। मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट विथ अ डिवाइडर एंड अ रूलर। ठीक है, हमें इसको मापना है, इन लाइनों को किसकी हेल्प से, डिवाइडर एंड रूलर की हेल्प से। जैसे कि आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, पहले इन्होंने क्या किया है, डिवाइडर से इसका पूरा मेजरमेंट लिया, उसके बाद सर्कल में हमने सेंटीमीटर में इसको नाप लिया है। तो ऐसे ही हम भी क्या करेंगे, एक डिवाइडर लेंगे, उससे इसका ये मेज़र किया इसको। ठीक है, मैं आपको सी नंबर का करके बताती हूँ। जैसे हमने इसको ऐसे, ठीक है, मेज़र कर लिया पहले, अब इसको ऐसे ही उठा लें, इसको कम ना करें, उसके बाद स्केल पर इसको नापेंगे। ठीक है, स्केल रखेंगे और इसको उठाकर यहाँ ज़ीरो वाले पॉइंट से हम इसको नापेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका मेज़रमेंट कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, थोड़ा एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है, ये तो इसका आंसर क्या आ रहा है, सी का हमारा 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप इसको नापेंगे और इसका मेजरमेंट करेंगे यहाँ स्केल पर, तो इसका भी 4 सेंटीमीटर है समथिंग, ये भी वही मेजरमेंट का है 4 सेंटीमीटर का। तो ये क्या है, लगभग सारे सभी एक जैसे ही हैं 4 सेंटीमीटर के। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या बोला है हमसे, फाइंड द सम ऑफ द साइड ईच फिगर। इसमें सभी साइड का सम करना है, यानी टोटल करना है। जैसे आप पहले इसको मेज़र कर लें कि ये कितना सेंटीमीटर का है, ये कितना सेंटीमीटर का है, और नीचे वाला यानी जो जितनी भी इसकी जो लाइंस हैं वो पहले आप नाप लें। जैसे हमने इसका नापा, मैं आपको इसका फर्स्ट बता रही हूँ, जैसे ये है हमारा। ठीक है, अब इसको मेज़र करें पहले। देखिए, ये हमारा समथिंग है 2.4। ठीक है, अब ये वाली सामने वाली जो लाइन है वो भी हमारी इतनी होगी 2.4, लेकिन जो नीचे वाली वो थोड़ी सी बिग है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 2.5। तो अब जैसे हमने या 2.4 ही ले लें सभी, ठीक है, 5.1 है हमारी। अब हमें इसका कौन सा कर रहे हैं, सेकंड वाला। तो जैसे हमने इसको नापा, तो ये कितने कितने क्या है, 2.5 ले लें इसको, 2.5। आप सभी का सम कर दें, सम कर लें, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, यानी जितनी भी लाइन सेगमेंट है उनको ऐड कर लें। तो ये आ गया हमारा 7.5। इस तरीके से आपको इनके सम करने, इन सभी को नाप ले पहले, जैसे इसको नापेंगे हम। ठीक है, जैसे ये है हमारा, इसको ले लिया। अब यहाँ स्केल पर इसको मेज़र करेंगे, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है। उसके बाद इसको नापेंगे, ये हमारा 2.3 सेंटीमीटर का है, ये भी इतना ही होगा 2.3 का, और ये जो ऊपर वाला है वो हमारा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले हमने सारे नाप लिए इसको, अब इसको टोटल कर देंगे। देखिए, सबसे ऊपर वाला हमारा कितना आया था, 2 सेंटीमीटर प्लस, उसके बाद 2.5 2.3 के आए थे,
और नीचे वाला 4 सेंटीमीटर का। तो सभी को लिख लिया और इसको ऐड कर लें। देखिए पॉइंट वाले पहले जोड़ते हैं तो 3 3 6 हो गए, पॉइंट लगा दिए। अब आगे के सारे जोड़ लें, 4 और 2 6 8 8 and 2 12 sorry 4 8 8 और 2 10 10.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका सम हो गया। ऐसे ही आप इसका क्वेश्चन नंबर सी करें। और अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गैस द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर देन मेजर देयर एग्जैक्ट लेंथ विद अ रूलर। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो आपको गैस करनी है, बस ज़रूरी नहीं है। तो आप किसी भी जैसे रूलर है उससे, जैसे आपकी ये मैथ की बुक है, इसकी जो लेंथ है उसको नाप सकते हैं। तो ये 15 आ रहा है यहाँ पर हमारा। तो देखिए जैसे ये 15 आ रहा है, पहले तो यहाँ साइन लगा लिया 15, अब यहाँ से नाप लिया। ठीक है, 15 और ये समथिंग 13, तो ये हो गया हमारा 28 के समथिंग। तो ये हमारी जो बुक की लेंथ आ गई वो 28। तो इसमें कोई थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरीके से आप गैस कर सकते हैं आपकी इरेज़र की लेंथ, ठीक है, पेंसिल की लेंथ। तो ये आप खुद ही करें सॉल्व अपनी नोटबुक में। इसको 5 पॉइंट एक्सरसाइज को अच्छे से मेज़र करके सॉल्व करेंगे।